हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास ट्वेल्थ की जो फ्लमिंगो बुक है उसकी पोम नंबर सिक्स आंट जेनिफर्स टाइगर और उसकी समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम कवर करेंगे सो लेट्स बिगिन द पोएट एक्सप्रेसेज दीना फीलिंग्स ऑफ अ वुमन आंट जेनिफर द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग अ डिजाइन कम्प्राइजिंग ऑफ एनर्जेटिक एनर्जेटिकस टाइगर्स एंड मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी तो ये जो पोएट है ये कौन है ये एड्रीन रिच है यानी ये खुद एक फ़ीमेल है और ये फेमिनिस्ट है फेमिनिस्ट यानी कि ये औरतों के साथ बुरे व्यवहार को किए गए जो भी कोई औरतों के साथ विमेन के साथ बुरा व्यवहार करता है उनके खिलाफ खड़ी होती है और उनके फीमेल्स के फेवर में बात करती है तो वो खुद एक फीमेल और उन्होंने ये जो पोम लिखी वो एक फ़ीमेल के बारे में लिखी है एक आंट है काफ़ी एज की एक लेडी है जिनका नाम है जेनेफो उनकी ये स्टोरी तो ये जो पोएट है ये उस वुमन आंट जेनिफर की इनर फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करिए क्योंकि जो आंट जेनिफर है उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत काम किया है बहुत हार्डवर्क किया है और अब वो बहुत वीक हो गई हैं तो ये जो आंट है इनकी एक हॉबी है इनका एक आर्ट है वो क्या है एम्ब्रॉयडरी करना यानी सुई धागे से कपड़े पर इस तरीके से सिलाई करना और इस तरीके से डिजाइनस बनाना तो ये क्या कर रही है ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है और अपने एम्ब्रॉयडरी में किसकी डिज़ाइन बना रही है एक टाइगर की और टाइगर कैसा होता है एनर्जेटिक होता है फियरलेस होता है और मूव करता है इधर उधर फ्रीली ब्राइट ग्रीनरी में तो बेसिकली ये जो आंट है ये जब भी आपका अपने इसको फ्री टाइम मिलता है और जब इसके हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे तो ये चुपचाप अपनी हॉबी अपनी पसंद की चीज़ करती वो होती है एम्ब्रॉयड्री इस एम्ब्रॉयड्री में ये टाइगर बना रही है और टाइगर कैसा होता है बहुत एनर्जेटिक यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बहुत एनर्जी होती है इसके अंदर किसके ऑपोजिट आंट के अपोज़िट क्योंकि आंट बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करती वो बहुत वीक फील करती क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने अपने हस्बैंड के लिए बहुत काम किया है फिर टाइगर कैसा होता है फियरलेस टाइगर यानी टाइगर को किसी से डर नहीं लगता अगेन किसके ऑपोजिट है आंट जो बना रही हैं उस उनके ऑपोजिट है क्योंकि आंट हमेशा बहुत डरती हैं अपने हस्बैंड से इनफैक्ट उनकी उंगलियां काँप रही हैं इस वक्त जब वो क्या कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके हस्बैंड अगर आ जाएंगे तो वो चिल्लाएंगे उन्हें क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई ये तो फ्री बैठी है अपने फ्री टाइम में अपना टाइम वेस्ट कर रही है कुछ काम नहीं कर रही घर का तो इसीलिए वो बिल बहुत डरती हैं अपने हस्बैंड से जो कि ऑपोजिट है इस टाइगर से क्योंकि टाइगर को किसी से डर नहीं लगता टाइगर क्या कर रहा है फ्रीली मूव कर रहा है इधर उधर मूव कर रहा है टाइगर्स आराम से जिस ज़ जगह जिस जंगल में घरे भरे फॉरेस्ट में इधर उधर मूव करते हैं उसको किसी का डर नहीं है लेकिन उसी के ऑपोजिट उसी के कॉन्ट्रे जो आंट है वो अपने ही घर में खुद के ही घर में आराम से इधर उधर नहीं घूम सकती क्योंकि उन्हें हर वक्त अंकल की या जो, हस्बैंड है उन, उनको उनका हमेशा डर लगा रहता है तो बेसिकली उन्हीं के घर में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और ये कैसे घूम रहा है टाइगर ब्राइट ग्रीनरी में यानी कि हरे भरे फॉरेस्ट में उनके घर में अप, अपने ही घर में फॉरेस्ट यानी अपने ही अपने ही घर में टाइगर यानी फॉरेस्ट में वो क्या कर रहा है इधर उधर घूम रहा है और फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी रहे है जो कि अगेन ऑपोजिट है आंट के क्यों आंट अपने घर में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता स्पेशली अंकल बहुत डोमिनेटिंग है तो वो अपने घर में खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती हैं तो आंट जेनिफ़र की जो हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करने की उसमें वो टाइगर बना रही हैं और टाइगर बना के वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं कि जैसा ये टाइगर है फेयरलेस एनर्जेटिक ही मूव्स ज्योर एंड देयर फ्रीली वैसी वो वो भी वैसी, वैसी बनना चाहती है उसको भी खुली हवा में सांस लेनी है उसको भी एक्सेप्टेंस चाहिए घर में रिस्पेक्ट चाहिए और लव चाहिए जो कि नहीं मिल रहा एग्जैक्टली exactly वैसे जैसे एक टाइगर को मिलता है शी इज लिविंग अ लाइफ इन विच शी इज ऑलवेज एग्रींग ऑन दी डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ हर हस्बैंड तो वो कैसी जिंदगी जी रही है आंट एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसमें वो अपने हस्बैंड की हर बात पे एग्री करती है उनके पास को, कोई चॉइस नहीं है उनको अपने हस्बैंड की हर बात माननी पड़ती है उनके हस्बैंड जो भी चीज़ डिमांड करते हैं और जो भी उनको कमांड करते हैं कमांड करने है यानी जो भी ऑर्डर्स देते हैं उनको वो सब उनको मानने ही पड़ते हैं हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम एंड शी फेयर्स हिम कॉन्स्टेंटली जो भी आंट काम कर रही है जेनिफर यहाँ पे जो भी उसके एक्शन है वो किस क्यों हैं क्योंकि अंकल हमेशा उसके हस्बैंड उसको हमेशा क्या करते हैं डोमिनेट करते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं उसकी इनर फीलिंग्स बाहर ही नहीं आ पाई वो रियल उसकी आइडेंटिटी क्या है वो आ ही नहीं पाई क्योंकि वो वही करती है जैसा अंकल ने ऑर्डर दे दिया बस और कंटिन्यूसली वो उनके उनसे डरती रहती है दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फेयरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट हर इनर डिजायर टू लिव अ फ्री एंड फेयरलेस लाइफ तो जो ये फ्री और फेयरलेस टाइगर्स की जो डिजाइन बना रही है वो अपने पैनल पे यानी अपने क्लॉथ के कपड़े पे क्लॉथ के टुकड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ये क्यों बना रही क्योंकि इसकी इनर फीलिंग है उसकी अंदर से दिल से इच्छा है कि मैं भी निडर रहूं मुझे कोई दबाए ना मेरी भी कुछ इच्छाएं है कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं खुशी खुशी कर सकती हूं बिना किसी से डरे द टाइगर्स आर ग्रेसफुल एलिगेंट एंड ब्राइट जो टाइगर्स हैं वो कैसे होते हैं ग्रेसफुल उनकी चाल बहुत ग्रेसफुल होती है टाइगर्स की बहुत एलिगेंट यानी बहुत ब्यूटिफुली मूव करते हैं ऐसा लगता है उन्हें देखते, देखते ही रहें और ब्राइट है ब्राइट जैसे कि टोपर स्टोन होता है यानी कि एक प्रेशियस पत्थर जो कि ब्राइट येलो कलर का होता है एक्जैक्टली exactly, टाइगर भी वैसे ही ब्राइट येलो कलर का बहुत ब्राइट है और शाइन कर रहा है यानी बहुत एनर्जेटिक है अगेन आंट आंट के ऑपोजिट क्योंकि क्या उन्होंने पूरी जिंदगी इतना काम किया है इतना डरी रहती है वो कि वो बिल्कुल ब्राइट नहीं है उनके फेस से पूरा ग्लो सब कुछ डल हो चुका है उन्होंने अपनी ब्यूटी को जैसे समझो किल कर दिया है आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल एस एम्ब्रॉइडर्स आन जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो ट्रेबल कर रही है जैसे जैसे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर को बना रही है आज इतनी उम्र की हो गई है वो एक आंटी बन गई है लेकिन फिर भी उनको अपने हस्बैंड से बहुत डर लग रहा है उनकी उंगलियां क्यों काप रही हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर अंकल आ जाएंगे और देखेंगे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है घर का कुछ काम नहीं कर रही और ये सब कढ़ाई बुनाई सिलाई सिलाई ये सब करिए तो वो उसे चिल्लाएंगे ऑल्सो उसकी उंगलियों ने पूरी जिंदगी इतना काम किया है कि अब वो कांप रही है उसको एक छोटी सी नीडल जिससे वो क्लॉथ को जिसको वो क्लॉथ से अंदर बाहर निकाल रही है वो तक उसको भारी लग रही है क्योंकि उसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश और वो अपनी मर्जी से अपना कोई काम नहीं कर सकती अपनी फेवरेट हॉबी भी नहीं कर सकती बिकॉज शी इज अफ्रेड ऑफ हर हजबेंड शी इज केयर डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फ्यर हस्बेंड एंड गर् उसको डर लग रहा है कि अगर अंकल ने देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि तुम टाइम वेस्ट करी हो और एम्ब्रॉयड्री कर रही हो सिंस मैरिज बीन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ हर हसबैंड जिस दिन से आंट की शादी हुई है उसके हस्बैंड से उस दिन से लेके आज तक वो अपने हस्बैंड की सिर्फ हर डिमांड हर जरूरत को पूरा कर रही है बिना ना बोले हुए द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज अंस्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू अर हसबैंड जो उसकी फिंगर पर आंट की फिंगर पे जो वेडिंग रिंग उसने पहनी हुई है उससे बार बार उसको याद आता है कि ये जो मेरे हस्बैंड हैं ये मेरी रिंग के साथ एसोसिएटेड सारी फीलिंग्स हैं और ये वो मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे इनका काम जिंदगी भर करना है और वो फंस चुकी हैं इस मैरिज में एक तरीके से द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज़ एग्जॉस्टेड हर और ये जो बर्डन है ये रिंग पहनने के बाद एक बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आंटी के पास कि भाई वो उनको हर चीज अपने हस्बैंड की एक तरीके से माननी है तो ये जो अब रिंग पहनने के बाद, बाद बर्डन है वो उससे एग्जॉस्ट हो गई हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक गई है क्योंकि अंकल ने कंटिन्यूसली उनको हिट किया है उनको डिमांड किया हमेशा उनको ऑर्डर्स देते रहते हैं और घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है सफरिंग एंड टॉर्चर तो आंट ने अपनी पूरी जिंदगी सफर किया यानी भुगता है बहुत टॉर्चर फेस किया है अंकल का तो बोल रही है पोइट कि इस लेडी का इस आंट का टॉर्चर जो है जो टॉर्मेंट है ये तभी खत्म होगा जब इसकी डेथ होगी अदरवाइज तो ये पूरी जिंदगी सिर्फ बर्दाश्त करती रहेगी और सहती रहेगी अंकल का डोमिनेंस इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री तो ये बता रही है पोएटिस कि डेथ के बाद उसके अंदर से लाइफ तो निकल जाएगी लेकिन वो जो वेडिंग रिंग है फिर भी उसके हाथ पे रहेगी इसका मतलब ये है कि कर उसकी डेथ के बाद भी वो जो रिंग के साथ आया हुआ बर्डन था जो चीज़ें उसने पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस करी सफ़र किया है उसने अंकल के साथ वो फिर भी उसकी लाइफ में रहेगा उसकी डेथ के बाद भी क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ में हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे जो हुए हैं वो उसके साथ उसकी डेथ के बाद भी उसके साथ जाएगा On the the other hand, the tigers are, that embroidering will continue to move around freely forever. Her desire of freedom and free fearlessness will live on through her tigers. और जो आंट टाइगर्स बना रही है अपने जो पूरा के पूरे डिजाइन बना रही है उसकी डेथ के बाद भी वो टाइगर्स कंटिन्यूसली फ्रीली इधर उधर मूव करेंगे फॉर एवर मूव करेंगे जैसे टाइगर अन होता है किसी से इधर उधर बिना किसी के डर से फ्रीली मूव कर सकता है वो आंट के डेथ के बाद भी मूव करेगा लेकिन आंट के अंदर जो ये इच्छा थी कि मैं इस टाइगर जैसी बनूँ मैं भी फ्री हो जाऊँ मैं भी खुश रहूँ मैं मेरे अंदर भी वैसा ग्लो आए जैसा टाइगर ग्लो करता है वो सब चीज़ें एक इच्छा ही रह गई एक डिजायर ही रह गई और उसकी डेथ हो जाएगी उसकी डेथ के बाद भी ये जो टाइगर्स हैं फ्रीली मूव करेंगे लेकिन वो नहीं मूव कर पाएगी जो उसकी इच्छा थी कि मुझे भी फ्रीडम मिले मैं भी निडर रहूँ यानी अनअफ्रेड किसी से डरू नहीं ना अपने हस्बैंड से ना किसी चीज से वो हमेशा इस टाइगर की जो डिजाइन है उसमें ही रह जाएगी वो कभी ये चीज फॉलो कर ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड हमेशा बहुत ज़्यादा हार्श है बहुत डोमिनेंट है और वो जो लेडी है आंट वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की विक्टिम हो गई है यानी शिकार बन चुकी है सो so, यहां पे मेरी समरी खत्म होती है लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवलूड तो ये जो वर्ड है denizens और जो दूसरा वर्ड है शिवलरिक हमें एक टाइगर के एटीट्यूड के बारे में क्या बताते हैं कि टाइगर्स कैसे है तो आंसर देखते हैं द वर्डेंस मीन्स दैट दे आर प्राउड ऑफ देयर होम दे फील सेफ से फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच टू इट तो denizens का मतलब है कि जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं जंगल में फॉरेस्ट में इसका मतलब ये है कि वो अपने घर के लिए अपने फॉरेस्ट में जहाँ वो रहते हैं वहाँ बहुत प्राउड फील करते हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब फ्रीली घूमते हैं इधर उधर फॉरेस्ट में और वो वहाँ सेफ फ़ील करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं है अपने घर में और उनके अंदर एक फीलिंग है एक अटैचमेंट है अपने घर से क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट कहीं आने वाला तो उनको एक अटैचमेंट है वो और कहीं नहीं रह सकते तो बोल रहे हैं कि ये बात ये बात बता रहे हैं कि एक एक एनिमल जो है टाइगर वो इस ये है डेनेजेंस में है यानी कि वो कंफर्टेबल फील करता है ऑन दी अंदर हैंड जो आंट है वो अपने ही घर में बहुत डरी डरी रहती है इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर सकती उन्हें घुटन होती है अपने हस्बैंड से डर लगता है और क्योंकि घर में उनको इतने सारे बैड एक्सपीरियंसेस मिले कि वो अपने घर में सेफ फील नहीं करती और कोई अटैचमेंट नहीं उसे अब अपने घर से जो सेकेंड वर्ड है शिवलरिक शिवलरिक the word chivalric shows that they have a majestic and worthy position in the vast forest majestic मतलब great personality और worthy position मतलब an important place तो वर्ड जो chivalric है वो ये बताता है कि एक जो टाइगर होता है वो बहुत majestic है यानी बहुत great personality उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो जब चलता है बहुत proudly चलता है और उसको किसी से डर नहीं होता और उसकी एक worthy position है पूरे फॉरेस्ट में यानी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर फॉरेस्ट सब लोग वहाँ पे उसे इंपॉर्टेंट देते हैं सब, अगर आप जू भी जाएंगे तो सबसे पहले लायन या टाइगर को देखना प्रेफर करेंगे दूसरे किसी एनिमल के अलावा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है टाइगर लेकिन जो आंट है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है कोई ब्राइट नहीं है बिल्कुल डल हो चुकी है क्योंकि पूरी जिंदगी उसने इतना काम किया है कि उसकी पूरी ब्यूटी और उसका पूरा ग्लो खत्म हो चुका है ऑल्सो उसकी घर में कोई वर्दी पोजिशन नहीं है क्योंकि वो हमेशा डोमिनेटेड रहती है अपने हस्बैंड से और घर में उसकी कोई इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है ओके सेकंड क्वेश्चन Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? आपको क्यों लगता है कि सेकंड stanza में ये बोला गया है कि Aunt Jennifer के जो उंगलियाँ हैं जो हैंड्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं यानी कांप रहे हैं जब वो wool यानी ऊन के धागों को निकाल रही हैं और cloth से बाहर निकाल रही हैं design बनाते time. वाईज टी फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल उनको एक छोटी सी नीडल जिसका कोई वेट नहीं होता उसको इतनी हार्ड क्यों लग रहा है उसको इतनी हैवी क्यों लग रही है वो नीडल तो आंसर है हर हैंड्स आर फ्लटरिंग प्रोबेबली बिकॉज टीज कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड हु वुड कम एनी टाइम एंड कोल्ड हर फॉर सेटिंग आइडल एंड टाइम डूइंग एम्ब्रॉयडरी तो उनके हैंड्स जो है वो इसलिए काँप रहे हैं क्योंकि उसको डर लग रहा है कि उसके हस्बैंड जो है कभी भी घर आ जाएंगे वो देखेंगे कि ये घर का कोई काम नहीं कर रही और एम्ब्रॉयडरी कर रही है अपना टाइम वेस्ट कर रही है और एम्ब्रॉयडरी उनकी हॉबी है उनका पर्सनल काम है फेवरेट काम है तो ये अगर वो देख लेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और वो चिल्लाएंगे इसलिए डर के मारे उसके हाथ कांप रहे हैं शी फाइंड्स का नीडल सो हार्ड टू पुल बिकॉज हर फिंगर्स आर टायर्ड ऑफ वर्किंग एनलेसली ऑल थ्रू हर लाइफ और उसको एक छोटी सी नीडल जिसका कोई वेट नहीं होता वो इतनी भारी इसलिए लग रही है क्योंकि पूरी जिंदगी उसने उन अंकल के लिए इतना काम किया है घर का इतना काम किया है कि अब उसकी उंगलियां उसके, उसके हाथ बहुत वीक हो गई थर्ड क्वेश्चन वट इज सजेस्टेड बाई द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड पोम में एक लाइन है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है वेडिंग बैंड क्या है वो जो रिंग जो उन्होंने अंकल ने पहनाई थी शादी के टाइम वो वेडिंग बैंड यानी वेडिंग रिंग है और मैसिव वेट यानी बहुत वेट उनको जो ये वेडिंग रिंग का वेट है ना बहुत हैवी लगता है अपनी उंगलियों में इसका क्या मतलब है तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट सिम्बोलिकली मच दैट अ पुड ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस हर क्योंकि उस वेडिंग रिंग के साथ आंट के आंट को क्या मिला बाइंडिंग्स यानी वो अंकल से बाइंड हो गई जुड़ गई यानी अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकती फंस गई है एंड ऑब्लिगेशन्स यानी उन इस वेडिंग रिंग के साथ उसके कंधों पर वो सारा बोझ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई जो कि अंकल की डिमांड्स उसको हमेशा फॉलो करनी है तो वो कह रही कि इस रिंग का कोई वेट नहीं है लेकिन फिर भी मेरी उंगली पर मुझे बहुत भारी लगती है क्योंकि इसी के साथ मुझे बहुत हैवी बर्डन बोझे वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गए और साथ में अंकल का मुझे सारे डिमांड्स फुलफिल करने जिंदगी भर और वो मुझे मारते हैं मुझे हिट करते हैं तो वो कह रही है मैं एक बहुत मिजरेबल लाइफ में और इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया है मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट यू थिंक आर्ट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम आर ओन कैरेक्टर आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर उस पूरे क्लॉथ uh, पे एक एनिमल्स को क्यों डिजाइन एनिमल्स की क्यों डिजाइन बना रही है जैसे टाइगर के डिजाइन क्यों ही बना रही है और टाइगर की जो पर्सनैलिटी है वो कितनी ऑपोजिट है आंट से टाइगर कितना फ्रीली रहता है किसी से डर नहीं लगता ऑन दी अदर हैंड आंट कितनी कितनी सरप्राइज है कितनी डल है डरती रहती है हमेशा अपने हस्बैंड से तो वो इस तरीके के एनिमल्स के डिज़ाइन क्यों बना रही है वॉट माई द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस तो इस डिफरेंस से पोएट हमको क्या सजेस्ट कर रहा है हमें क्या बताना चाह रहा है हमें वो आंसर में बताना है तो इसको पॉइंट्स में हमने लिया इस है इस आंसर को फर्स्ट पॉइंट है पोइट कहती है आई थिंक दैट आंट जेनेफर्स इंटेंस डिजायर फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस केम आउट थ्रू अर क्रिएटिविटी तो उसने क्या क्रिएट किया अपनी आर्ट में क्या दिखाया कि वो एक टाइगर ड्रॉ कर रही है और टाइगर कैसा होता है हमेशा फ्री रहता है और फियरलेस यानी किसी से डरता नहीं है तो बेसिकली उसकी इस डिजाइन से ये पता चलता है कि उसकी इनर फीलिंग उसके अंदर की इच्छा है कि वो भी अपनी जिंदगी में फ्री रहे यानी उसको कोई परेशान नहीं करे बांध के नहीं रखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर और फेयरलेस रहे यानी उसको अंकल से डर उसका ख़त्म हो जाए तो ये उसकी डिज़ायर बताती है इस एनिमल के डिज़ाइन से पॉइंट नंबर टू दिस इज द टाइम वैन शी इज विथ हर सेल्फ एंड देन हर इनमो फीलिंग्स आर एक्सप्रेस ह मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज द एम्ब्रॉयडरी अब जब वो ये डिज़ाइन बनाती है वो तब बनाती है जब वो अपने फ्री टाइम में होती है और फ्री टाइम में हम क्या करते हैं हमारी हॉबी हमारा फेवरेट काम करते हैं तो शायद इसी वजह से जब वो अकेली होती है जब उसके आसपास कोई नहीं होता जब अंकल भी नहीं होते घर में उसके हस्बैंड तब वो अकेले में उसकी रियल फीलिंग्स जो इनर फीलिंग्स है वो बाहर आती है और बाहर किस फॉर्म में आ रही है एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में आ रही है जिसपे वो टाइगर को बना रही है और अपनी अंदर की इच्छा एक्सप्रेस कर रही है कि उसे भी फियरलेस और फ्रीडम के साथ रहना है जैसे ये टाइगर रहता है पॉइंट नंबर थ्री थ्रू दिस डिफरेंस इट इज शोन दैट द लेडी इज नॉट वॉट शी इज हर सर्कमस्टांसिस ऑफ मेड हर दिस तो इस डिफरेंस से ये पता चलता है कि टाइगर कितना डिफरेंट है और वो कितनी उसकी खुद की पर्सनैलिटी कितनी डिफरेंट है उससे ये पता चलता है कि वो जो एक्चुअली है लेडी इज नॉट वीज़ कि एक्चुअली जो लेडी रियालिटी में जो उसकी पर्सनैलिटी है वो पोम में नहीं है यानी कि रियलिटी में उसकी इच्छा क्या है फ्री रहने की फियरलेस रहने की खुश रहने की तैयार होने की ये सब उसकी इच्छाएं हैं लेकिन वो अपनी इन सब इच्छाओं को किल करके अंकल के सामने वैसे रहती है जैसे अंकल चाहते हैं बिल्कुल वैसे वैसे डोमिनेट होती जाती है जैसे जैसे अंकल डोमिनेट उसको कर रहे हैं तो इस डिफरेंस से ये पता चलता है कि वो रियलिटी में बहुत फियरलेस है बिना फ्रीडम चाहती है और बहुत ही अनअफ्रेड वुमन है लेकिन क्या करें दब गई अंकल के नीचे तो ये डिफरेंस बताता है ये जो सर्कमस्टांसिस है ये जो उसकी लाइफ की मुश्किल सिचुएशन है इस मुश्किल सिचुएशन ने उसको ऐसा बनाया है वो रियलिटी में ऐसी नहीं है वो रियलिटी में बहुत बहुत हैप्पी वुमन है लेकिन अब लाइफ में उसको ऐसे फेस करना पड़ा है जो वो ऐसी बन गई है मजबूरी में इवन दो शी हैज़ अ डिज़ायर टू लिव लाइफ विद रिस्पेक्ट लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी उसके अंदर डिज़ायर अब भी है इच्छा अब भी है कि मुझे लाइफ में मेरे हस्बैंड से रिस्पेक्ट लव एंड एप्रिसिएशन मिले इतनी मुश्किलों के बाद भी सो ऑल दीज थिंग्स ये हैं जो हमको बताते हैं कि टाइगर और आंट की पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस है सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ सेशन और यहाँ पे हमने समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म किए आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे आप मेरे जाके वीडियोज है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर आपको अगर मेरी वीडियो नहीं मिल रही तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है वो ये है कि आप हमारे कि गूगल पे आप हमारी वेबसाइट का नाम डालिए जो है मैग्नेट ड्रीम्स डॉट कॉम जब आप ये वेबसाइट का नाम डालेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन रहेंगी क्लास ट्वेल्थ इलेवन टेंट एंड सो ऑन फॉर एग्जांपल आपको क्लास इलेवंथ के इंग्लिश के वीडियोस देखने तो आप क्लास इलेवंथ पर क्लिक करिए जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा जो भी टीचर्स क्लास इलेवंथ में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं इंक्लूडिंग मी जो मैं इंग्लिश लेती हूँ वो सब लिस्ट आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पे इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ तो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने इंग्लिश के वीडियोज़ बनाए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी क्लास इलेवंथ की फ़ॉर एक्जाम्पल मुझे हॉर्नबिल बुक जो क्लास इलेवंथ की इंग्लिश बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर देखना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके का जो वीडियो है आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा तो चिल्ड्रन आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको चैप्टर के वीडियोज़ यूट्यूब पर ईजी नहीं मिल रहे वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली आप ईजिली कैसे एक्सेस कर सकते हैं विथ दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन और आप हमारे आगे की और चैप्टर्स और वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून एंड तब तक लिए बाय एंड थैंक यू